जैसे हमारा हैदराबाद में जितना भी है सेंसस डिपार्टमेंट हमारा एक था पड़े सालार की ज़माने में, आई वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन दिस वन, एक एक घर का हमारे पास वो डेटा था। यूपी वगैरह में हज़ारों मुस्लिम्स के नेम बिफोर पोलिंग डिलीट कर देते, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स हार जाते। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया जहाँ 60-70% मुस्लिम है और हिंदू कैंडिडेट जीत के आता बीजेपी का, उसकी वजह यह कि हज़ारों नाम डिलीट हो जाते। तो उसका समझ गया हम, उसका ये है कि हर साल दिसंबर में एक वोटर लिस्ट आती, चेक करना उसको, फिर जनवरी में इंक्लूजन होता नामों की लिस्ट आती जो 18 साल के हो चुके हैं, फिर उसको चेक करना। अब जो दूसरी रियासतों में मामला है वो सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं है, कर्नाटका में भी हुआ है, मगर आज क्या है, आप सेलफोन पे बैठ के वो वेबसाइट खोल के अपना वोटर लिस्ट चेक कर ले सकते हैं आप नाम। हम वो भी नहीं करना चाहते। अब पोलिंग के दिन जाते, पोलिंग के दिन गए, 5 में से 2 लोगों का नाम आया, अच्छा 2 तो वोट डाल दो ना, मैं डालता ही नहीं, भुक्के रह के सुबह में गया मैं, खाना नहीं खा के हमारी बीवी लेके गई, देखो उसका नाम है मेरा नाम नहीं है। अरे बीवी को तो डालने दो, मैं लाइव बोल रहा हूँ आपको, मतलब भाई बीवी को डालने दो, बीवी डालना वोट मैंने डालना, अरे मैंने नाम नहीं है ना आपका, नहीं डालता ही नहीं भाई। तो अगर आप सेलफोन में चेक कर लिए कम से कम, इसको आप लोग वाइडली बोल सकते, दिसंबर में आप लोग अपने दोस्त अहबाब को बोल के नेट पे जाओ, सेलफोन पे देखो, चेक करो नाम है नहीं है। और ये बात सही है कि मुस्तकिल तौर पे कैंपेन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है।